हेलो एवरीवन दोस्तों, लास्ट टाइम आपका जो वीडियो था उसके अंदर काफ़ी रिस्पांस मिला आप सबका, काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पांस भी दिया है, उनके लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों के लिए। फिलहाल मैंने ये पेंटिंग बनाई है इस मंथ में और काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे एंड व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किए हैं कि इस तरीके से मैंने बनाई थी। दैट मीन एक्रिलिक कलर्स जो कि सबसे टफ मीडियम होते हैं स्पेशली इन समर में, कि वो जो बहुत जल्दी फास्ट हो जाते हैं ड्राई और मिक्सिंग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट जाता है एक्रिलिक कलर से। सो ऐसे डिफ़िकल्ट कलर्स को मैंने किस तरीके से इतना रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक इफेक्ट लाए है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो मेरा कैनवास है ये मेरा है एक्चुअली 24x35 इंच का और इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं मेरे कैमलिन कलर्स जो कि स्पेशली मैं यूज़ करता हूँ और ना कि कोई ब्रांडेड कलर्स बाहर की कंपनी के यूज़ करता हूँ मैं। और जो ब्रशेस है वो भी मैं मोस्टली लोकल ब्रांड्स के ही यूज़ करता हूँ, इसके अंदर में मैं कोई फॉरेन ब्रांड्स यूज़ नहीं करता हूँ। और इसके लिए मैंने जो यूज़ किया है वो मेरा फ्लैट ब्रश है, मेरा 4-5 नंबर्स के मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करता हूँ और 000 के लिए मैं डिटेलिंग का वर्क करता हूँ उसके। और सॉरी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरीके से मैंने ये पेंटिंग्स बनाई। तो एकदम स्टार्टिंग मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ किया था बिना पेंसिल या इरेजर के, डायरेक्ट कैनवास के ऊपर मैंने ड्रॉ किया था एक्रिलिक कलर से, जिसके अंदर मैंने वाटर का ज़्यादा यूज़ किया था। उसके बाद में मैंने डिटेलिंग स्टार्ट की थोड़ी सी आइज़ के ऊपर, नोज़ के ऊपर, जस्ट हाईलाइट्स मार्क्स किए, कहाँ डार्क टोन है कहाँ लाइट टोन है। और उसके बाद में धीरे धीरे फिर उसको फिनिशिंग देता गया मैं 000 ब्रश से। और इसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत एक्रिलिक्स के अंदर थिकनेस बढ़ाया था, कलर का जो थिकनेस होता है। और उसके बाद में धीरे धीरे मैं बाकी का पार्ट्स कवर करते गया, जिसके अंदर मैंने इनिशियली वाटर का यूज़ जो है वो मैंने कम किया है। स्किन के लिए मैं स्पेशली बर्न टम्बर और रॉ सियाना का यूज़ किया है और येलो कलर्स के अंदर मैंने लेमन येलो, ऑरेंज और कैडमियम येलो का ज़्यादा यूज़ किया है। अभी स्टेज में मैंने उसके रुद्राक्ष के ऊपर थोड़ा सा काम किया है और उसको पूरी तरह से कलरिंग किया था इस कैंप के ऊपर। यहाँ तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक का ड्यूरेशन लगा था। और इसके बाद में जब मैंने फाइन वर्क स्टार्ट किया था तो मेरा एम था कि जितना भी मैंने कवर किया उसको थोड़ा बहुत और डिफाइन किया जाए, तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत और डिफाइन किया था मैंने, उसके फोरहेड्स के ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स देके नीचे का कलर करके थोड़ा सा, फिर उसको और थोड़ा बहुत रेंडरिंग किया मैंने 000 के ब्रश से ही। और जैसे जैसे मैं लेयर्स अप्लाई किया एक के ऊपर एक, तो उसका जो थिकनेस था वो मैंने ज़्यादा थिक कलर यूज़ करना शुरू किया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो उसके अंदर की रुद्राक्ष की जो माला है वहाँ पे मैंने एकदम डाइल्यूट कलर से पहले किया है और फिर बाद में उसके ऊपर धीरे धीरे थिक कलर्स देते हुए उसको एकदम रियलिस्टिक इफ़ेक्ट्स मैंने दे दिए थे उसके ऊपर। अब जैसे ही ये टाइम ख़त्म हो जाता है, मुझे इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 10-12 दिन जा चुके थे ये इस टाइप का वर्क करते हुए। अभी आपको एक थोड़ा सा लिप्स का ओवरफ्लो बताता हूँ। ये जो एकदम मेरा इनिशियल बेस था स्केच का, जो मैंने एकदम डाइल्यूट वाटर से किया था बर्न टम्बर और येलो कलर से, उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैंने डिफ़ाइन किए थे स्किन टोन्स एंड उसके मूछों को मैंने सिर्फ डिफ़ाइन किया था, कहाँ तक स्किन से कहाँ तक मूछे है। फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत मैंने उसको डिटेलिंग करना स्टार्ट किया लिप्स के अंदर, जो बेसिक सिर्फ डिफ़ाइन किए थे, सिर्फ पैचेस दे के उसके ऊपर थोड़े बहुत टीथ्स के ऊपर वर्कआउट किया था। और इस लेवल पे मैंने डिटेलिंग कहीं पर भी नहीं की थी, सिर्फ मैंने कलर्स के पैचेस दे के रखे थे। फिर बाद में धीरे धीरे मैंने उसके ऊपर डिटेलिंग देना स्टार्ट कर दिया, थोड़ा बहुत मैंने लिप्स के ऊपर काम किया, थोड़े टेक्सचर्स दे दिए वर्टिकल लाइन से, ड्राई ब्रशिंग की यहाँ पे मैंने, मतलब टोटली ज़ीरो ब्रश ज़ीरो वाटर लिया था। फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था क्योंकि मैंने उसके ऊपर मुस्टैक्स नहीं किए थे। फिर बाद में धीरे धीरे 000 से उसकी मूछें बनाना स्टार्ट किया था। अप्रॉक्सीमेटली ये मूछों को मुझे 2 दिन लग गए थे टोटल मूछें बनाने के लिए। एकदम बारीक बारीक तरीके से मैंने काम किया, एक एक बालों के एक एक हेयर्स निकाले मैंने उसके हाईलाइट्स के साथ निकाले। फिर इसी तरह से मैंने सारी सारी पेंटिंग डिटेलिंग के साथ करना शुरू कर दी थी। मुझे अप्रॉक्सीमेटली ये टाइम लाने के लिए मुझे 2 हफ्ते लग गए थे, 2-2.5 हफ्ते। और बाकी का जो डिटेलिंग पार्ट था उसके लिए मुझे एक अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 हफ्ते लग गए थे। सो इस तरीके से मैंने सारी पेंटिंग की थी डिटेलिंग के साथ और मुझे अप्रॉक्सीमेटली 2-4 हफ्ते लग गए थे ये पूरी पेंटिंग कवर करने के लिए। उसके बाद में एकदम लास्ट में मैंने एक फिनिशिंग टच दिया था हार्डली 1-2 दिन के लिए। सैटरडे संडे फुल डे बैठा था मैं, 6-6 घंटे का वर्क है मेरा ये, और एवरीडे मैं 6 आवर्स बैठा करता था, 5-6 आवर्स एवरीडे। उसके बाद में मेरा ये मास्टरपीस बन चुका था आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ। होप्स
दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरे जो टेक्निक्स है वो सारे आप एक शॉर्ट क्लिप में मैंने आपको एक्सप्लेन किए। एक्चुअली ये वर्क मेरे को ऑलमोस्ट 1 मंथ लग चुका है, सो मुझे इतना ईजी तो नहीं है कि मैं पूरा वर्क आपको 1 मिनट के अंदर एक्सप्लेन कर सकूँ। अगर आप फिर भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो ये सारी चीज़ें सीखने में तो आप मेरे ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो पेड ऑनलाइन क्लासेस में रन करता हूँ और ओवर इंडिया के मेरे स्टूडेंट उससे जुड़े हुए ये क्लासेस ज्वाइन करने के इसमें। और अगर आप फ्री वीडियोस भी चाहते हो यहाँ पे तो मैं यूट्यूब पर तो फ्री वीडियोस ही देता हूँ। अगर आप और किस तरीके की वीडियोज़ अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, उस तरीके की आप नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको जल्दी मैसेज किया करूँगा इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे अगर आपने सब्सक्राइब किया चैनल्स में। और मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियोज़।